संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा वहां लिए चलते हैं। पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, पूरे देश में केजरीवाल का संदेश शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल पहुंच रहा है, पूरे देश में केजरीवाल के नाम पर लोग बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जीती। दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, पूरे देश में केजरीवाल का संदेश शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल पहुंच रहा है, पूरे देश में केजरीवाल के नाम पर लोग जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभी दो दिन पहले भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने का एक अभियान उन्होंने शुरू किया, जिसके समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों के लोग जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात तक में उसमें बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है। और जब केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, केजरीवाल चुनाव में जीत रहे हैं, एक के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरे दुनिया को दिया, जिसने पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की, उसको उठा के जेल में डाल दिया। हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है, शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कैसे हुई, कब हुई, बहाना क्या लिया जा रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसा क्षेत्र है जहां पर केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया और पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका का वो अखबार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में छापता है कि कोरोना के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हुई, अमेरिका का वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखता है, वही अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है। मनीष सिसोदिया के फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा क्रांति की चर्चा करता है, केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए, पूरा देश इससे खुश है कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सराहना हो रही है। लेकिन शर्म आती है हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच, इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। उनको खुश होना चाहिए था कि मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन वो बौखलाकर दूसरे दिन सीबीआई का छापा डलवा देते हैं। और मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा, मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा, किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है,
अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना अगर शराब नीति मसला होता, अगर शराब मुद्दा होता, तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर, तो जांच तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी, जांच की शुरुआत तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। उनके खिलाफ कोई ईडी, कोई सीबीआई, किसी एजेंसी ने कोई जांच की? तो इसलिए शराब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की मॉडल को, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना, दिल्ली के मॉडल को रोकना। लेकिन मैं मोदी जी आपसे बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अपनी इस छोटी सोच से बाहर आइए, बड़े मन से काम कीजिए। अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले नहीं है, दिल्ली का शिक्षा मॉडल आपसे रुकने वाला नहीं है, स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला नहीं है। पहले भी आपने सैकड़ों प्रयास किए हैं, अब भी कर लीजिए। पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सीबीआई का छापा मारा है, क्या निकला आज तक? कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का छापा मार चुके हैं, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। हमारे 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कुछ क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अब रोज सीबीआई ईडी इन एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस, इनको आपने मजाक बना रखा है। कराइए जांच, और हम तो स्वागत करते हैं, आप जांच कराइए जितनी जांच करा सकते हैं। न पहले कुछ निकला, ना अब कुछ निकलेगा। आपका चेहरा जरूर पूरे देश के सामने बेनकाब होगा, यह मैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, मनीष जी के यहाँ पीछे सीबीआई के रेड पड़ा है, वो शराब नीति को लेकर, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को। आप तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन उस पॉलिसी के अंदर में जो आरोप लगा है कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचाया गया, 144.36 करोड़ का जो फीस है माफ किया गया, नीतियों के अगेंस्ट जाके काम हुआ, ये सब कुछ पब्लिक, इन सारी बातों पर 1000 बार जवाब दे चुके हैं हम लोग। इन सारी बातों का जवाब मनीष सिसोदिया जी दे चुके हैं, पूरी पार्टी दे चुकी है। मैं आपसे पूछ तो रहा हूं, अगर शराब मुद्दा है तो गुजरात में जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, जहां पे जहरीली शराब से बीजेपी नेताओं ने, एक जिला पंचायत का सदस्य पकड़ा गया था भाजपा का, जिसके घर में जहरीली शराब, नकली शराब बन रही थी। क्या कार्रवाई हुई ईडी सीबीआई की? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।